Hello friends, I am Sharmila. Today we are going to study a next topic of a lesson, Heredity and Evolution. And today's topic is Darwin's theory of a natural selection. So, dekhte hai ki Darwin ki theory kya hai. Charles Darwin had collected an innumerable specimen of a plants and animal, and depending upon the observation of the specimen, he published a theory of a natural selection, which preaches the survival of the fittest. तो ये थ्योरी प्रपोज करने के लिए डार्विन ने बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पेसिमेंस कलेक्ट कर लिए और वो स्पेसिमेन के थ्रू उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी प्रपोज्ड की. फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश्ड अ बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज. तो ये उनका बुक था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किया है. विच एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट Darwin says that all the organisms reproduce prolificially. All the organisms compete with each other in a life-threatening manner. तो सारे organisms जो होते हैं वो reproduction के through उनके जैसे ही young ones produce करते हैं and वो सारे living things में एक competition चालू रहती है जीने के लिए. In this competition, only those organisms sustain which shows the modification essential for winning the competition. तो ये जो सारे लिविंग थिंग होते हैं उनमें जीने के लिए एक कंपटीशन चालू रहती है और वो कंपटीशन में जैसे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स को जो भी अडेप्ट कर पाते हैं, खुद की बॉडी में चेंजेस लाते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, वही सस्टेन हो पाते हैं. हाउएवर बिसाइड दिस नेचुरल सिलेक्शन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल बिकॉज नेचर सिलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर फिट टू लिव एंड द रेस्ट पेरिश. तो इनके सिवाय नेचर जो होता है वो सिलेक्ट करता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ये चेंज होने वाले एनवायरमेंट में जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं. तो जो भी फिट होते हैं वो एनवायरमेंट में जीने के काबिल होते हैं और जो नहीं होते हैं यानी कि जो वीक होते हैं वो सारे पेरिश हो जाते हैं यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म अ रिप्रोडक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू अ न्यू स्पीसीज. तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म नेचर ने सिलेक्ट किए हैं जीने के लिए वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उनके खुद के कैरेक्टर होते हैं, स्पीसीज विद देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टर. डार्विन्स थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. तो इस वजह से डार्विन की थ्योरी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट की थी. बट फिर भी ये थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्शंस उन्होंने लिए हैं. हाउएवर सम ऑब्जेक्शंस वेयर रेज अगेंस्ट द थ्योरी. सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्शंस आर, तो ये ऑब्जेक्शंस हम देखते हैं क्या है. नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन. तो डार्विन का कहना यह था कि नेचर सिलेक्ट करता है जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन. सेकेंड, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन. तो सेकेंड चीज ये है कि डार्विन ने यूजफुल मॉडिफिकेशन एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है. उन्होंने बस नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही कहा था. एंड थर्ड वन इज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट अ स्लो चेंज एंड अ अब्रप्ट चेंज. तो स्लो चेंज, फास्ट चेंज, इनके बारे में भी डार्विन ने कुछ भी नहीं कहा था. तो हम ये कह सकते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस ऑब्जेक्शन डार्विन्स वर्क्स ऑन इवोल्यूशन हैड बीन अ माइलस्टोन. बट ये सारे ऑब्जेक्शंस है फिर भी डार्विन ने जो वर्क किया वो, इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि डार्विन्स वर्क ऑन इवोल्यूशन हैड बीन माइलस्टोन. तो इस तरह से हमने डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया है. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.